तो टैक्स नहीं, रोजगार नहीं दे सरकार ने, मुआवजा आप दीजिए पटना के 13 लाख हमारे घर के तोड़ना बंद कीजिए। ये दोनों और अपराधी माफिया नेता पदाधिकारी का जो आदेश आप वेंडर्स को न्याय दीजिए, झुग्गी झोपड़ी को बंद, बीएचके का मकान दीजिए, बिहार की सरकार बिजली बिल को कम करिए और 10% होल्डिंग है हमारी जमीन पर उसको खत्म करिए। इंक्वायरी चाहता हूँ और ये दारू छोड़िए, बच्चों की सुरक्षा कब होगी, आम आदमी कैसे बचेंगे, ये नागरिक जो है वो कैसे बचेंगे, इस पर बहस की गुंजाइश है। ये बिहार की चिंता करिए, सिर्फ दिल्ली में जेएनयू एक सवाल हो सकता है, बिहार सबसे बड़ा सवाल है। विपक्ष को जेएनयू, नीतीश जी को दारू और हरियाली, बच्ची नहीं, 50 सबसे बड़ा डकैती सोना का वो नहीं, अब हम लोग के बीच बलात्कार नहीं, क्रांतिकारी वालेता और पूर्व विधायक श्री राम, ये सवाल है, ये जनता के द्वारा जनता के लिए। आप तंग करोगे तो एक एक खून का कतरा देके पटना और बिहार को बचाएंगे, ये संकल्प लेने हम लोग यहाँ है। पटना के निर्माण में, बिहार के निर्माण में 30 साल हो गया दोनों को नासूर बनाते हुए। जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो, जीने दो, आजादी दो, मुस्कुराने दो, बहुत हो गया। इसीलिए आज अभी आपने सुना सुशील मोदी ने चारा घोटाला का मुख्य अभियुक्त नीतीश कुमार जी को कहा है अपने चिट्ठी में। ये थेथर है, निर्लज है, ये ट्वीट करते हैं, इनको शर्म नहीं आता। 600 वोट लेकर के मणिपुर में सरकार बनाया, शिवसेना को गाली देता, जिसके बदौलत भाजपा पैदा हुई, जिस बाला साहब ठाकरे के बदौलत उसको गाली देता, इससे बड़ा धूर्त हो कौन सकता है। बिहार का सबसे बड़ा दुश्मन ये है सुशील मोदी। इस्तीफे की मांग करता है, इस्तीफा एक मिनट में, इन्हें इस्तीफा नहीं तो बर्खास्त करना चाहिए नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जो मंत्री इसमें इन्वॉल्व है, पदाधिकारी जिसको आप प्रमोशन दे रहे हैं, उसको सस्पेंड करिए और मुकदमा दर्ज करके जेल में बंद करिए। सुशील मोदी ने साइकिल मार्च निकाला था स्वास्थ्य को लेकर। सुशील मोदी जी को बिहार के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, अपने स्वास्थ्य की चिंता है। सुशील मोदी जी इश्क और मुश्क में फंसे हुए हैं, ये आप समझ लीजिए, वो आप चिंता छोड़िए। इसीलिए लड़ाई यहां से निकलेगी, मार्च में वहां पहुंचेगी, अब चिंता न। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पटना की जनता और बिहार की बच्ची और बिहार के बेरोजगार युवाओं को और मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक ये लगातार आंदोलन जारी रहेगा।